आज के आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के पवित्र आराधना को परमेश्वर के आह्वान वचन से आरंभ करेंगे। प्रभु हम सबों को अपने वचन के द्वारा भजन संहिता 29 एक और दो पद में ऐसा आह्वान किया है, हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, आमीन। आइए आज के आराधना को आरंभ करते हुए हम पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। Thank you.
मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिर्जा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर के शांतिदायक वचन को स्मरण करें। प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा ऐसा शांति देता है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराया जाने के लिए जिलाया गया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वस्तता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी की स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लूं। आमीन। Oh.
आइए आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो ठहराया गया है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 60 पद से आगे 69 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय संख्या 6 पद संख्या 60 से 69। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ हम ऐसा पाते हैं, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर के अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवतों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए, हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। Oh,
आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आय से मिले। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने आज के दिन को हमें देखने दिया है और इस खड़ी हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सब की मदद कर, सहायता कर कि हम तेरे वचन के भेदों को समझ सके। तो आप ही अपना प्रकाशन हमें दे, हमारे मन अंतकरण को अपने वचन के प्रकाश से प्रकाशित कर, अंधकार मिटा प्रभु, ताकि तेरे वचन की ज्योति से हमारे सारे अंधकार मिटाए जाए और हम निश्चय ही उस प्रकाश में देख सके और तेरी बातों को समझ सके, उसे ग्रहण कर सके और उस पर हम अपना जीवन आधारित करने पाए। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे, अपने नाम की महिमा को तो ही प्रकट कर, आमीन। आज कांताते रविवार है, आज के लिए परमेश्वर का वचन जो ध्यान के विषय है, जो हमारे उपदेश का वचन है, वह मिलता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय पद 12 से लेकर आगे 18वें पद तक। याकूब 1:12-18 इसमें यह लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खार निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह या न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की भी वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। यहां तक आमीन। सही बैठ जाएंगे। क्रिस्ट में उपस्थित और जितने भी इस ऑनलाइन के जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, सबको यीशु सहाय और सबको मसीही नमस्कार। आज के रविवार का नाम दिया गया है कांताते, अर्थात गीत गाओ। और आज के आह्वान वचन में हम लोग देखते हैं, जो वचन महिमा के वचन कहे गए हैं, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहवा का, हाँ यहवा ही का गुणानुवाद करो, यहवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। दूसरा पद कहता है, यहवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहवा को दंडवत करो। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महिमा की योग्य है, स्तुति की योग्य है, और उसके लिए हमें स्तुति के गीत गाना है। और निश्चय ही प्रियो, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, आनंद से उसकी आराधना करते हैं, तो प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। जैसा हम गीत गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, वही हमें ताकत देता है। और प्रभु का आनंद सचमुच में हमारी ताकत है,
आज सचमुच में हम लोग एक दुखद घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं। अपने प्रियजनों की मृत्यु का हाल सुनकर हम खेदित हैं और इस मृत्यु के समय भी हम गीत अवश्य गाते हैं। हम गीत गाते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रत्येक परिस्थिति में हम ईश्वर का धन्यवाद करें। जैसा वचन में लिखा है इफिसी की पत्री 4:6 हम लोग जब पढ़ते हैं, कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। तो प्रियो, सचमुच में आज परमेश्वर का वचन ही हमें यह कहता है कि हम हर परिस्थिति में हम ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी हम महिमा करें, उसके लिए गीत गाएं। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर की शांति हमारे दिलों में आती है, परमेश्वर का आनंद हमारे दिलों में आता है और यह हमारी ताकत बनती है और यह हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता है, उसने यह भी कहा कि मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता है। तो प्रियो, संसार में हमें किस प्रकार का आनंद मिलता है तथा तो प्रभु यीशु मसीह हमें किस प्रकार के आनंद और शांति की बात कह रहे हैं, आज के वचन के अनुसार हम उसे समझ सकते हैं। जहां प्रभु का वचन कहता है, जो याकूब की पत्री से हमने 1 उसका 12 से हमने सुना कि जब धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। तो यहां पर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट को पाएगा। आज हम लोग सचमुच प्रियो ऐसे समय परीक्षा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और इसमें हमें स्थिर रहने के लिए कहा गया है। क्या हम इसमें स्थिर रहे और हम जीवन का मुकुट पाएंगे? लेकिन दूसरी ओर वचन कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो प्रियो, जो यहां पर दो बातें हम देख रहे हैं परीक्षा के संबंध में लिखी हुई है, एक तो कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो, जब मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है तो वह उसमें जीवन का मुकुट पाता है। लेकिन दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर किस की परीक्षा हो सकती है। तो यहां प्रियो, जब हम लोग अंग्रेजी के बाइबल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर जो परीक्षा शब्द है, जैसा कि हिंदी के बाइबल में अगर हम लोग जो शीर्षक दिया गया उसको अगर हम पढ़े तो परख और प्रलोभन, ये परीक्षा एक तो परख है जो कि जिसमें हम स्थिर रह करके जीवन का मुकुट खो पाएंगे, लेकिन दूसरा है प्रलोभन। और यह प्रलोभन जो टेम्पटेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, टेम्पटेशन प्रलोभन, जैसे हम लोग प्रभु की प्रार्थना में प्रभु से या पिता से हम लोग कहते हैं कि लीड अस नॉट टू टेम्पटेशन, अर्थात प्रलोभन में हमें ना पड़ा। तो यह प्रलोभन प्रियो, यह शरीर की अभिलाषाओं
से प्रेरित होता है और वचन कहता है कि यह प्रलोभन ईश्वर की ओर से नहीं आता है, यह मनुष्य के शरीर के अभिलाषाओं से यह प्रलोभन आता है, यह प्रलोभन उत्पन्न होता है और इसे हमें पूरा होने नहीं देना है। हम अपने शरीर में ही यह प्रलोभन हमारा आता है। जैसे हम लोग अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं कि आदम हवा के जीवन में जो शैतान की ओर से आया वो प्रलोभन था और जिसमें वो पड़े और फिर वे मृत्यु के बंधन में चले गए। तो निश्चय ही जैसा कहते हैं कि जब मनुष्य उस प्रलोभन पड़ जाता है तो वह पाप में पड़ जाता है और पाप में जब पड़ जाता है तो वही पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। निश्चय ही प्रियो, इसीलिए वचन कहता है कि पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई। और इस तरह से प्रियो, सचमुच में यह जो संसार का जीवन है जिसमें अभिलाषाएं भी हैं, और वचन हमें इस बात को कहता है कि हम इस संसार और शैतान की बातों को त्यागे और हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें। जैसा पहला योना दूसरा अध्याय में लोग पढ़ते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं जो है वो तो मिटती चली जाती है लेकिन जो प्रभु की बातों में चलता है वह सदा बना रहेगा। आज प्रियो, निश्चय ही इस संसार में जब हम लोग जीते हैं शरीर की अभिलाषाएं और उस शरीर की अभिलाषाओं में चलकर भी आनंद मनुष्य को मिलता है लेकिन वह कैसा आनंद है? वो एक क्षणिक आनंद है, वो आनंद एक धोखे का आनंद है जिसमें मनुष्य फंस जाता है और वह विनाश की ओर चला जाता है। इससे ही आज हमें वचन कहता है, जैसे हम लोग बपतिस्मा की वाचा में भी यह अंगीकार करते हैं और ईश्वर से वाचा बांधते हैं कि मैं संसार और शैतान को, संसार कार्य और शैतान कार्य को छोड़ देता हूं और हे त्रि एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मैं अपने को तेरे हाथों में सौंप देता हूं कि तेरे लिए जीऊं और तेरे दया में मरूं। तो आज प्रियो, हम प्रभु से जो बपतिस्मा की वाचा हमने बांधा है, बपतिस्मा की वाचा यह है कि हम संसार के बुरी अभिलाषाओं का त्याग करके हम प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करें। आज हम लोग इस बात को महसूस कर रहे प्रियो कि ना तो मनुष्य का धन काम में आता है, न ही मनुष्य की पहुंच काम में आती है, यह सब कुछ व्यर्थ हमें दिखाई पड़ता है लेकिन आज यदि कोई काम में आता है तो वह परमेश्वर ही है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ही बचाता है, परमेश्वर ही छुड़ाता है और आज कोई गारंटी नहीं दे रहा। आज ये कहा जाता है कि कोई गारंटी नहीं है, आप अगर वैक्सीन भी ले लेते हैं तो भी आपको सावधान रहना है, आपको चौकसी करना है। और इस तरह से प्रियो, कहीं भी हमें गारंटी नजर नहीं आती है लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें इस बात का गारंटी हमें कई वचनों में दिया जाता है कि जो यहां पर भरोसा रखते हुए सियोन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आज निश्चय ही प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करने की आदत डालने की आवश्यकता है। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रियो। हो सकता है हम इसको बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि प्रार्थना करना है, प्रचारक साहब ने कहा, पादरी साहब ने कहा कि प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, हमने सुना परंतु हो सकता है कईयों ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे निकाल दिया और उसे बहुत हल्के ढंग से लिया। लेकिन आज हमें उस पर गंभीरता से विचार करना है प्रियो। ये छोटी सी बात हो सकता है लग सकती है कि प्रार्थना तो करना है, बाइबल तो पढ़ना है,
लेकिन यही बात है प्रियो, वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए स्थान बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एक गारंटी वहां पर देता है, परमेश्वर उसे अचानक आने विपत्ति से बचाएगा, उसे महारोग से बचाएगा। आज प्रियो सच जो विपत्ति अचानक से आ जाती है वो नाम या बताकर नहीं आती है, लेकिन आज हमें अवश्य है प्रियो कि हम प्रार्थना का आदर डालें। यीशु मसीह कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो ताकि आने वाली विपत्ति से बचाए जाओ। आज हमें एक बार दो बार नहीं वरन निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि हम लोग उसके द्वारा जीवन पाए। आज प्रियो सच जो यहां वचन कहता है कि वो वरदान जो ऊपर की ओर से आता है वह बदल उसे अदल बदल उसका नहीं हो सकता, उसे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात जो ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है उस पर कोई छाया भी नहीं पड़ती है। अर्थात उस दान की हमें चाहत रखना है। आज हमें इस संसार के धन दौलत का ही चाहत नहीं रखना है, वरन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर के वरदान की चाहत रखना है, उस आत्मा के वरदान की चाहत रखना है जो प्रभु यीशु मसीह देता है। जैसे ही उन्होंने कहा वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा, हमको उस आत्मा के दान की चाहत रखना है। हम लोग साक्षीवाणी 312 में गाते हैं कि उसकी आत्मा का दान तो अपनी आत्मा में ले। आज हमें प्रियो परमेश्वर की उस दान को हमें अपनी आत्मा में ग्रहण करना है। और प्रभु कहते हैं कि वह तुम्हें तुम्हारी निर्बलता में तुम्हें संभालेगा। आज प्रियो बहुत बार हम विपत्ति में पड़ते हैं, कोई संभालने वाला नहीं रहता है, हर समय मनुष्य सहायता नहीं भी कर सकता है। आज हमारे लोग बहुत जगह पड़े हुए हैं लेकिन आज हम उसके पास जा नहीं सकते हैं। लेकिन प्रियो पवित्र आत्मा के विषय प्रभु कहते हैं वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा। आज सचमुच प्रियो हमें वचन कहता है हमें पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी महिमा करना है। और निश्चय ही परमेश्वर के वचन को आज हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर अच्छा अच्छा वचन भेज रहे हैं। अब वचन के द्वारा कहते हैं परमेश्वर हमें उत्पन्न करता है, नए से उत्पन्न करता है। आज वचन को अपने जीवन में काम करने देना है ताकि हमारे अंदर एक नई सृष्टि हो, हम नए सिरे से उत्पन्न हो, जिसको कहा गया पवित्रता से शोभायमान होकर हमें ईश्वर की महिमा करना है। प्रभु कहते हैं यदि तुम नए सिरे से ना जन्म लोगे तो परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो आज प्रियो हमें परमेश्वर के वचन काम करने देना अपने जीवन में, उसको बदलने देना अपने जीवन को। परमेश्वर का वचन जीवित है जिससे हम नया जीवन को प्राप्त करें, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। आज हर एक का जीवन एक सीमित अवस्था में है इस संसार में। परमेश्वर ने हर एक के जीवन के सीमाने को बांधा है जिससे कोई पार नहीं कर सकता, परंतु यदि हम प्रियो उस जीवन में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करते हैं, वह जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। और आज यह समय है प्रियो कि यदि हमने परमेश्वर के पास आने में कोताही की है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में कोताही की है, प्रार्थना करने में कोताही की है, हमारे जीवन में अभिलाषाएं हमें सहावी रही, हम पश्चाताप करें, हम प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु हमें क्षमा करेगा। मनुष्य दुर्बल है, मनुष्य लड़खड़ाता है, वो गिरता भी है। प्रभु कहते मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। आज प्रियो हम परमेश्वर के साथ अपना गहरा संबंध बना ले, गहरा रिश्ता बना ले, जहां परमेश्वर कैसा कहता है कि मेरे जन पर कौन दोष लगाएगा, मैं यहोवा हूं जो उसे खड़ा करने वाला हूं। और निश्चय प्रियो आज हम ऐसे समय में हम निश्चय ही हम प्रार्थना करें, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें और हम उस आनंद को महसूस करें जो प्रभु ने कहता है कि मैं अपनी शांति देता हूं, मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। वह आनंद प्रियो सदाकाल का आनंद जो प्रभु देता है, वह आत्मिक आनंद है जिसे हमें लेने की आवश्यकता है। बहुत बार हम देखते हैं जैसे हमने वचन में सुना यूहन्ना 6 अध्याय में 60 से आगे हमने सुना कि
प्रभु ने जो वचन कहे, बहुत सारे वचन को उसके चेले नहीं समझ पाते थे, गहरी बातों को कहते थे, आत्मिक बातों को। आज उसके वचनों को समझना है। उसने कहा जो बातें मैंने तुमसे कहा वो आत्मिक है और जीवनदायी भी है। आज उन्हें हमें समझना है और उसे निश्चय प्रयोग हमें ग्रहण करना है। जैसा कि बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन 12 प्रेरित हम देखते हैं कि उनमें से पतरस ने कहा, हम कहां जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। बहुत सही पतरस ने कहा, पतरस प्रेरित ने बहुत सही जवाब दिया। वो थोड़ा उतावला था, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन उसने सही जवाब दिया और कई जगह उसने सही जवाब दिया। प्रभु से कहते हैं निश्चय ही उसको बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपते हैं और निश्चय प्रियो कहते हैं इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। मतलब नरक के शक्ति, दुष्ट की शक्ति उस पर प्रबल नहीं हो सकेगी। परमेश्वर निश्चित रूप से हम सब की अगुवाई करें प्रियो, कि हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम नियमित रूप से हम परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना करें, उसकी खोज करें, उसकी बाट जो है उसका इंतजार करें, हर दिन उसका इंतजार करें। वचन कहता है परमेश्वर अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करता है, जो यहोवा की बाट जोहते हुए नया बल प्राप्त करेंगे, वचन कहता है। आज आइए हम निश्चित रूप से प्रियो हम उस प्रभु के निकट आए जो जीवित है, जो सृष्टि करने वाला है, जो सब कुछ उसके हाथों में है, अपना जीवन समर्पित करें और एक नया जीवन हम प्रभु में आरंभ करें और उसकी महिमा के लिए संसार में हम जीवन बिताएं। और निश्चय ही परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में होकर हम इस अभिलाषाओं से युद्ध करते हुए आगे बढ़े और प्रभु हमारे साथ सदा बना हुआ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें एक एक को आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। सचमुच उसके द्वारा तो हरे को संभाल, हरे को आशीषित कर और होने दे प्रभु कि हम हरे का जीवन प्रभु तुझ में दृढ़ हो जाए, तुझ में स्थिर हो जाए और हम तेरे संबंध में हम बढ़ते चले जाएं, तेरे विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं, हम मसीह के डील डाउन में हम सभी बढ़ते चले जाएं, मसीह के इच्छा के पहचान में बढ़ते चले जाएं, हम निश्चय ही उस आत्मिक ज्ञान और समझ में हम बढ़ते चले जाएं। तो हमें ज्ञान की आत्मा दे, हमें प्रकाश की आत्मा दे, ताकि जो कार्य तूने किया है, जो छुटकारा तूने हमें किया है, उसको हम देख सकें, उस महिमा की बातों को देख सकें जिसमें कोई छाया नहीं पड़ सकती, कोई बदलाव उसमें नहीं हो सकता। ऐसी बातों की हम खोज में लगे रहें। परमेश्वर पिता, तू हमें से एक एक अगुवाई कर, क्रिस्ट यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हर एक मन अंतःकरण की रक्षा करे, आपसे सदा लो, आमीन। हम आराधना का तीसरा गीत गाएंगे।
खड़ी हो जाए। हम प्रभु का धन्यवाद करें अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, इस झारखंड प्रांत के लिए और विश्वासी सभी लोगों के लिए। ईश्वर का पवित्र वचन को स्मरण करें, भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिसन काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, आज के गिरजा आराधना के क्रम में हम सबों ने अपने मुट्ठियों को तेरे हाथ में समर्पित होते हुए खोला है और मुट्ठियों से जो कुछ भी दान हम सबों ने तेरे नाम पर अर्पण किया है, उन दानों को तू ग्रहण कर। पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में कलीसिया के अंतर्गत बहुत सारे लोग बीमार और दुखित हैं, बहुत सारे कोरोना वायरस के चपेट में पड़े हुए कराह रहे हैं और बहुत सारे
दवा के अभाव में मर मिट रहे हैं। प्रभु परमेश्वर सबको अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा चला, समय पर भला चंगा निरोग कर, ताकि तेरी ही दया और आशीष में एक नया जीवन को प्राप्त करे। जिसके परिवार से अपने प्रियों को अपने पास बुला लिया, वे व्याकुल और बेचैन हैं। प्रभु जी उन्हें भी शांति दे कि ईश्वर की इच्छा कतई यह नहीं है कि हम सब सारे के सारे नाश हो जाएं। प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन का सिवाना तू ठहराया है, क्योंकि मनुष्य का जीवन इस धरती में जन्म के द्वारा आता है, मृत्यु के द्वारा प्रभु के पास बुलाए जाते हैं। प्रभु जितने लोगों को तूने इस संसार से बुलाया, उनके परिवारों को शांति दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जो शांति जगत नहीं दे सकता। प्रभु ऐसा ही शांति दे। प्रभु यह भी प्रार्थना करते हैं हमारे नर्स, डॉक्टर, सेवा करने वाले कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी, सरकारी तंत्र को तू मजबूत कर कि लोगों की सेवा तन मन से करने पाए और परमेश्वर की ज्योति में लोगों को ले चले। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए हुआ उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जवला प्रकाश कर। हमको अपश्चतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। देख परमेश्वर का आशीष विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। Yeah.